सही कह सही हो जरा दब सहा जो है ना। हाँ हाँ सहा दे पर नांगर जोते कस डर्मर वाला मैडम ऐसे ऐसे चला है। थोड़ा से लगी सर है ना चीटी काटे टाइप से। हाँ। बहुत झन मोन का बोलते कि आप ट्रांसप्लांट कराए हो और बाद आपके पाग के बाल हगे। नमस्कार जय जोहर संगवारी हो। सुपर शर्मा जी ब्लॉग में सब जन के झारा झारा नहीं होता है संगवारी हो। आप मन बार बार कहा हो कि महाराज टोपी निकाल तो लो, आज मैं टोपी निकाल दे। और संगवारी हो ये देख सकत हो अतका बाल मोर आ चुके हैं और घनघोर हो चुके हैं। पीछू तो बिल्कुल पते च नहीं चलते। और एकर अलावा साइड देख सकता हो, यू डहार साइड देख सकता हो। और टोपी ये सेती लगाता हूँ कि अभी पूरा घनघोर नहीं होते कर सकती, एमा घनघोर हो ही। पीआरपी करके एक तो प्रोसेस होती है वो करवाए पर आज आए हों तो का चीज ये सब ला डॉक्टर साहब से बात करथन पूछथन और बताथन। काबर की पहुंच चुके हो क्लिनिक तो सीधा डॉक्टर साहब करा चलथन। पूछ दे रहे हो सर वीडियो बनाओ की इच्छा बना ले कहे है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हो? एकदम बढ़िया सर जी। सर बहुत दिन से मतलब वहूँ कहते हैं तो दवाई भी लेना है मोला और पीआरपी पर मोर 3 महीना हो गए कम्प्लीट। जी जी जी। तो टोपी में बार बार लगाए रहता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ अभी जी। तो वो का है थोड़ा से आप पीआरपी के प्रोसेस ला बताऊ और मोर सही में मोला थोड़ा डर है, डर लगा थे लोगन ला नहीं दिखाता, मैं अभी तक नहीं दिखाया, आज पहली बार ये वीडियो के माध्यम से फ्रंट ला दिखाता हूँ। तो ये कैसे बताओ ना आप, 3 महीना जैसे हो गए तक? 3 महीने के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अभी हमारा शेडिंग फेज जो है वो अभी कम हो जाएगा। हाँ। मतलब अभी तक जितने झड़ रहे थे वो धीरे धीरे अभी कम हो जाएंगे। हाँ, अब 3 महीने तक आपकी जो मेडिसिन चल रही थी उसमें से कुछ मेडिकेशंस भी आपकी बंद हो जाएगी, अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग मेडिसिन भी बंद कर। अच्छा दवाई कम हो जाएगी? दवाई कम हो जाएगी, थोड़ा सा का है दवाई यू ही लगते, अब दवाई भी कम हो जाएगी। और ये प्रोसेस पीआरपी काबर करते है, पीआरपी से काम वाला फर्क पड़ी वाला बताओ। जी जी, पीआरपी से आपका फायदा ये है कि आपके पतले बाल मोटे हो जाते हैं। पीआरपी हम सब लोग ले सकते हैं जिनको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या फिर हेयर से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेना है तो पीआरपी ले सकते हैं। अच्छा। पीआरपी का फायदा ये है कि आपके थिन हेयर ठीक हो जाएंगे, मतलब पतले बाल मोटे हो जाएंगे, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा एंड ग्रोथ स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अभी जैसे हम लोग मेडिसिन बंद कर देते हैं उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हम लोग पीआरपी लेंगे, जैसे अभी आपका 4th मंथ स्टार्ट हो गया, देन 5th मंथ में, देन 6th मंथ में, तो साइमल्टेनियसली मेडिसिन के साथ में आपका पीआरपी होगा तो उसमें आपको और अच्छा बूस्टअप मिलेगा। हाँ। मतलब हमको 6 महीने में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, तो मोर जेन है अभी छट्टा छट्टा में तेन घना हो जाएगी ना, पूरा भर जाएगा अभी पीआरपी। जी अभी जैसे पीआरपी हम लोग लेंगे तो लगभग अभी मान के चलिए 20% रिजल्ट है, तो आफ्टर पीआरटी 1 महीने के बाद में वो लगभग 40-50% आपको रिजल्ट और इंक्रीज दिखेगा। अच्छा, तो मैं अभी पीआरपी कर हूँ, थोड़ा प्रोसेस लगी वीडियो के माध्यम से। जी 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 जी। अच्छा लगता है सर कर मिल के, काबर ऐसे ही इतना आराम से हो, प्यार से समझाते ना कि नहीं करे मन घलो करवा लो ऐसे लगते संगवारी हो। तो ये देख सकता हूँ फाइनल मोर ये अभी के लुक है, अभी पीआरपी कर रहा हूँ, पीआरपी के प्रोसेस ला आप मतलब बताऊँ और बाद फिर सर मैं मतलब कुछ दिन बाद कलर लगाऊ कहा रहे हो कलर। हाँ ये बात ना बता दूं, बहुत जन मोर का बोलते कि आप ट्रांसप्लांट कराए हो और बाद आपके पाग के बाल हगे थे। मोर पहली पहली चले बाल हा पके हुए है संगवारी हो और पहली में कलर करत रहे हो ओकर नाम से का है पता नहीं चलत रही, करिया करिया दिखा है लेकिन एला अभी सर मोर बोले रही से केमिकल नहीं लगाना है करके, और हर कलर में केमिकल रहते हैं ना जो मैं लगाता हूं। हम लोग कुछ सजेस्ट करते हैं लाइक कुछ ब्रांड्स है जिसमें आप जा सकते हो। हाँ, हाँ। जिसमें नो अमोनिया, नो पीपीडी, नो हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें ये 3 चीजें नहीं है, वो कलर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आप मोला बता दू तो हम मैं कलर भी करवाऊ तब लोग दिखाऊ करिया चुंदी, तो अभी पीआरपी में करवा ले। जी सर अभी सैंपल लेंगे। तो यह थेरेपी रूम है, यहाँ मोर ट्रांसप्लांट हो रही से, ये पीआरपी रूम है भैया, सब अलग अलग रूम हो ये कुछ। मैडम नमस्ते। नमस्ते। हाँ आज पीआरपी करवाना है मोला, सर से मैं पूछ रहे हूँ वीडियो बना ले ऐसे किसे, तो बोला ना अभी का प्रोसेस होगी धीरे से। ठीक है सर। तो कैसे करवा पहले बैठ ना, लेट जाओ सर आप। अच्छा लेटे लगी। हाँ। मोला बड़ डर लगते मैडम, खून वून निकल दे कदे का निकालो, तब 20 ml निकालो, मात्र 20 ml वाले बात नहीं है। हाँ लेकिन मैं कहा थोड़ा डर था मैडम, वो वैक्सीन लगवाए पर अब बड़ दिन ले सोचत रहे हूँ घर के मन गाड़ी दी तो लगवाए रहे हूँ। अच्छा। हाँ। आराम से लेटे रहो। हाँ। थोड़ा से लगी सर है ना चीटी काटे टाइप से। हाँ। एकदम रिलैक्स रहो आप मन है ना। कैसे रही सर 3 महीना के एक्सपीरियंस? एकदम बढ़िया रही मैडम, कहीं मतलब भुरवा चाटी चावत तैसे एक कनिक भल लागी साफी खुशे रे होता है। अच्छा ठीक है, पीआरपी के बाद ना बहुत अच्छा जबरदस्त रिजल्ट आई, ब्रुष्ट घना हुई पीआरपी के बाद 6 मंथ में, 3 महीना तो और है ना। हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है, 6 महीना पूरा हो जाए। नहीं पूरा हो जाए आराम से। हाँ
अभी खोल दो आप मन हाँ अच्छा निकल गया मैडम हाँ मुट्ठी खोल दो अरे दादा निकाल के की थी अमोल पता ही नहीं चली इसकी निकाल के दादा खून लाते जल्दी कैसे निकाल रहे थे मैडम एक का निकली थे ना मैं देखे नहीं और डर लगा थी के अच्छा हाँ हाँ अब निकाला हो गए का हाथ रे संगवारी हो मैं अब डर रहा कर दो बड़ा कर निकालिए इसे की के अब ये जन आमा मन मारी थे नहीं चाटी भूरवा वाला वही चाटी चाबा था इसे टाइप से एक कनिक लगी चुक ले तहन निकल के घालो कैसे मैडम खून मन तो लाल रही थी कैसे करिए बढ़िया है बहुत अच्छा है आप मन के आज भी ऐसे का बहुत अच्छा है मशीन में डाला था हाँ हाँ तो भूल देखा हूँ मैडम थोड़ा रोटेड मशीन है ये पूरा नंबर उंबर लिखा था मैडम ये मैं डालू वाला हाँ हाँ ये अच्छा ऐसे हाँ, करके हाँ, डालेंगे बराबर इक्वल हाँ हाँ ते पोर्शन में है ना ये प्लेटलेट है हाँ, हाँ, और हाँ, ये प्लाज्मा ऊपर है प्रोसेस तो मैं यूट्यूब में सर्च मारा तब वो नहीं मिला लेकिन मोर मैं देखा संगवारी मैं बना था पूरा डिटेल वाला एकदम फरिया फरिया ठीक है अच्छा ये मन में सब में यही भर हूँ ना मैडम के एमएल भरा था मैडम ये 1 ml है सर एक खोसरा खोलत पे ना जी ये डर्मा रोलर है हम ड्यूरिंग पीआरपी इसका भी यूज करते हैं हाँ, ये एक तरीके से माइक्रोनेट नीडल है अच्छा तो आपकी स्किन को पंचर करेगी और वहाँ पे जख्म देगी मतलब वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ेगा अच्छा और सर्कुलेशन बढ़ने के कारण वहाँ पे प्लेटलेट्स और प्रेजेंट हो जाते हैं हाँ, हाँ, तो वो आपके रूट्स को और अच्छा बूस्ट करते हैं अच्छा डर्मा रोलर ये पंचर कर ही जख्म भी इतना डर रहा है मतलब ये अच्छा ही होगी छोटे छोटे प्लाज्मा भरा चुके हैं और छना छुनी के डारे रखा चुके हैं खून अलग जिन कलर रही थे ना अब ये भरा चुके हैं डर्मा रोलर घरों रखे मैडम हाँ और अलग है महा तो है कहा शहर है पहली ये साफ करा था नहीं मैडम बीटाडीन से हाँ हाँ वही घना कर ही वो हाँ। एकदम मजबूत कर सकते हाँ, है नी? हाँ, हाँ। जैसे एक रोपा लगावे खातू माटी डराते दवाई पानी डराते बियासी होते वैसे टाइप से यू हाँ एक प्रोसेस है की दे हाँ जी हाँ हाँ, हाँ। लेकिन मैडम थोड़ा धीरे धीरे गोबर हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर निश्चिंत रहो इसे हम थोड़ा थोड़ा 1 1 unit हम इंजेक्ट करेंगे ठीक है ठीक सही क्या जरा अब सहज है ना हाँ हाँ सहज है बस और कुछ नहीं है ठीक है हाँ हो गया एक ठन लग गया नहीं अभी स्टार्ट करें हम ठीक हाँ ठीक फर्स्ट एक सिरिंज के हो के हम्म दूसरा बीडी सिरिंज यूज करा था ठीक है अब साइड साइड अब हेयर लाइन हो गए अब साइड साइड से ठीक है ये हो गया मैडम वो सब हाँ, चीजें लगाए वाला काम हो गए तो मैडम यूं पीरा थे का बढ़िया अच्छा प्लाज्मा प्लेटलेट निकले रही से अब हम पिराए नहीं है छोटे छोटे नीडल्स है ये डर्मा रोलर है ना तो ये छोटे छोटे नीडल्स है ठीक है ये स्किन के लिए अच्छा अभी डर्मा रोलर यूज करा था तो ऐसे ही यूज करना है आप मतलब थोड़ा पेन होना चाहिए ठीक हाँ, है हाँ, हाँ। ये ब्लड संकुलन के लिए अच्छा है स्किन डैमेज करते सर तो तेजी से ना वो रूट्स तक पहुँचते हाँ बुलडोजर रोलर चलावा तैसे टाइप आया है हाँ ना है नहीं पूरा हाँ। दर 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 टाइप ये हाँ। बढ़िया है मैडम ये थोकन ठीक भी लगा था हाँ ये मसाज भी हो जाते एक हाँ, तरफ हाँ। से और अच्छा भी है हाँ, हाँ, हाँ। आज और कल हेड वॉश नहीं करेंगे आज और कल मिनोक्सिडी यूज नहीं करेंगे हाँ, परसों हेड वॉश करना परसों मिनोक्सिडी लगाना एक बूंद पानी भी हेड पे नहीं डालेंगे अभी पानी उनी कुछ नहीं है करना है नहाना है नीचे तक हाँ नहाना है नीचे तक आज तो खैर नहा के आए हो हाँ कल भी कल बस ये भिंगाना मत बाकी फिर नहा सकते बढ़िया है तो पीआरपी पूरा प्रोसेस हो गया ना हो गए डन पीआरपी डन पीआरपी के पूरा प्रोसेस हो गया संगवारी हो वहाँ नांगर जोते कस डर्मा रोलर मैडम ऐसे ऐसे चला है और ये देख सका था पूरा यू डाल देख सका था पीछू तो एकदम घनघोर है पीछू मतलब अभी पीआरपी नहीं डाले जाए है नी? नहीं अब के जतका ट्रांसप्लांट हो रही से उतका में ये सब चला है ते देर भैया हो पीआरपी करवाया तब मोल जूस देवा थे यहाँ और मैं जब हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो रंग रंग के मैडम मन जूस पिया रही से यह के अनार के घलो जूस पिया रही से तो पीआरपी में कौन से जूस हो मैडम ग्लूकोन डी एक आवर एनर्जी आना चाहिए खुद के खून निकाल के खुद के में डाल दे तो जस के तस है लेकिन एनर्जी एक्स्ट्रा मिला तो ये थे संगवारी हो दवाई मोल मिल गए मैडम बताई इसकी एकदम कम दवाई काबर की 3 महीना हो चुके हैं तो 3 महीना बाद दवाई हो जाते कम जैसे कि आप मार रोपा लगाता हो या कुछ भी चीज करता हो तो खातू माटी देवे तभी धान है उल्हाते हो बने ढंग के भोगाते वैसे दवाई खाना भी बहुत जरूरी है ऐसे करके सर मोल बता रही से 3 महीना बाद अब मोर दवाई हो गए कम पहले ज्यादा खाते रहे हो अब हो गए कम तो हो गए मोर बाल है एकदम बमा बम तो मैं दुलाल बना के रखा हो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ और सोचा था करवाना चाहिए कि तो करवा दादा हो काबर दिक्कत लेवा था काबर की भैया हम तो खुद एक्सपीरियंस
बाद मुला डर लगा रही से, लेकिन डर के आगे जीत है, चुंदी आ चुके एडार बिल्कुल झड़ गई दत्त का, तुम खुदे देखे रहो अब आगे कलर करवाऊ तो ज्यादा दिखी सादा कम दिखे, अभी बार राम राम मैं दुलार बना के रखा, पल पल जियो हर पल जियो।